वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माई टियर चिल्ड्रेन वेलकम टू यूर इंग्लिश क्लास टूडे वी विल रिवाइज द टॉपिक ऑफ दिस एंड दैट अर्यर वी हैव स्टार्ट स्टडीट द टॉपिक दिस एंड नाउ टूडे वी विल रिवाइज इट अगेन दिस कोई भी एक चीज जो कि मेरे पास है उसके लिए हम लोग वी विल यूज दिस फॉर ठीक है और जो चीज हमसे दूर है वी विल यूज दैट फॉर एग्जाम्पल ये पेन जो है वो मेरे पास में है है ना तो दिस इज अ पेन ठीक है ये पेन जो है वो मेरे पास में है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे दिस इज अ पेन अगर यही पेन हमसे बहुत दूर में होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे दैट इज अ पेन अंडरस्टैंड नाउ चिल्ड्रेन टेक योर इंग्लिश नोटबुक एंड राइट द दुडे राइट द टुडे स्टेट एंड राइट द रिविजन एंड वी विल स्टार्ट द टॉपिक दिस एंड दैट ओके लेट स्टार्ट विथ मी first write the date here today's date is 10 february 2021 and write here revision r e v i s i o n revision okay and write the topic this and that ठीक है चलिए पुट द डे पुट क्वेश्चन नंबर वन ठीक है अब मैंने यहां पर एक ग्लास बनाया ठीक है और ये ये जो ग्लास है वो मेरे पास है तो हम इसके लिए क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं वॉट इज दिस वट इज दिस हैव टू आंसर ये जो ग्लास है वो मेरे पास है तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे दिस इज आ ग्लास दिस इज अ ग्लास वॉट इज दिस दिस इज अ ग्लास एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज दैट वॉट इज दैट मैंने यहां पर एक क्या बनाया सन सन हमसे दूर में होता भी है तो जो चीज हमसे दूर है उसके लिए हम लोग डेट का यूज करेंगे वॉट इज दैट द आंसर विल बी डैट से स्टार्ट होगा दैट इज आ सन ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री What is this? What is this? आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के लास्ट में जो वर्ड रहेगा आंसर को उसी से स्टार्ट करेंगे अगर दिस रहेगा तो दिस के साथ और अगर दैट रहेगा तो दैट के साथ What इज दिस दिस इज अ पेन सेल This is a pencil and the last is what is that I am making here one flower. Okay what is that the answer will be दैट इज a फ्लावर ठीक है अंडरस्टैंड चलिए इसको फिर से हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज दिस जो चीज मेरे पास है उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे दिस दिस इज अ ग्लास अभी जो सन है वो हमसे दूर है वॉट इज दैट दैट इज अ सन अभी पेंसिल हमारे पास है वॉट इज दिस दिस इज अ पेंसिल